ये है, नहीं हमको गुजरात से बंदे लेके, बस वो ये कहते हैं ना, रवैया तो ये रहे कि हमारे अगर तो लगारी साहब बजट पढ़ रहे हैं तो साथ वो रोड़े मार इंडिया ने किसी, तो फिर तो हमारा रवैया गलत हो गया। सिंपल, अगर उन्होंने पेपर्स पढ़ने हैं, बजट पढ़ना, तो उसमें तो हमारा एटीट्यूड तो कभी भी, गरीब के लिए तो जिंदगी मौत का मसला है ना। यू आर राइट, गरीब के लिए, लेकिन जो अंदर वानों में हम बैठे हैं हमें भी सोचना चाहिए, उन लोगों को सबको सोचना चाहिए, और ना घर में लड़ाइयाँ पढ़वानी चाहिए कि ये काफर है, ये हक भी है, ये राय है, नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको पता जो सख्त फैसले हुए, एक मिनट जो सख्त फैसले किए गए हैं, मतलब जिसने झूठ बोला जाके, और अभी घर में बहन भाइयों को आपस में लड़ा दिए, एक काफर है दूसरा महिबे वतन है, एक काफर है दूसरी महिबे वतन है, मारने पे आगे, ये मुल्क पाकिस्तान के लिए देखे ये क्या अच्छा हो रहा है, ये कितनी मुश्किल कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया था, और इतनी आवारा ये है, नहीं हमको गुजरात से बंदे लेके, बस वो ये कहते हैं ना, रवैया तो ये रहे कि हमारे अगर तो लगारी साहब बजट पढ़ रहे हैं तो साथ वो रोड़े मार इंडिया ने किसी, तो फिर तो हमारा रवैया गलत हो गया। सिंपल, अगर उन्होंने पेपर्स पढ़ने हैं, बजट पढ़ना, तो उसमें तो हमारा एटीट्यूड तो कभी भी, गरीब के लिए तो जिंदगी मौत का मसला है ना। यू आर राइट, गरीब के लिए, लेकिन जो अंदर वानों में हम बैठे हैं हमें भी सोचना चाहिए, उन लोगों को सबको सोचना चाहिए, और ना घर में लड़ाइयाँ पढ़वानी चाहिए कि ये काफर है, ये हक भी है, ये राय है, नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको पता जो सख्त फैसले हुए, एक मिनट जो सख्त फैसले किए गए हैं, मतलब जिसने झूठ बोला जाके, और अभी घर में बहन भाइयों को आपस में लड़ा दिए, एक काफर है दूसरा महिबे वतन है, एक काफर है दूसरी महिबे वतन है, मारने पे आगे, ये मुल्क पाकिस्तान के लिए देखे ये क्या अच्छा हो रहा है, ये कितनी मुश्किल कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया था, और इतनी आवारा। यूट्यूब पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।